में कल्चर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, किसी गांव में एंटरप्रेन्योरियल स्किल की ज्यादा है, कहीं एग्रीकल्चर की स्कोप ज्यादा है। इतनी विविधता के जो हमारे गांव है, जहां हमने पंचायत राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल जगह दी है, वहां पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आईटी के माध्यम से आज बड़ी भूमिका हमारे अप्रवासी भारतीय निभा सकते हैं, ऐसी मेरी अवधारणा है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यह मूर्त रूप लेगी। ये मैं चाहता हूं ईश्वर हमारी जो कामना है इस कामना को पूरा करे। इसी कामना में मैं इन सारे विषयों से अलावा आपका एक बहुत फेवरेट विषय है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट और गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के मॉडल्स। आपको क्या लगता है राजस्थान भारत में जो डेमोक्रेसी के जो मॉडल्स हैं, कौन सा ऐसी चीज है जो बहुत सूटेबल करेगी और किन चीजों को परिवर्तित किया जाना बहुत जरूरी है अगले 5 या 10 सालों? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिस तरह की एब्रेशन सामने आए, हमने आज देखा है कि आज यदि डिसिसिव लीडर होता है तो डिसिसिव लीडर के परिणाम अच्छे भी होते हैं और डिसिसिव लीडर के कुछ निर्णयों के कारण आगे जाके उसका इम्पैक्ट भी अलग आ सकता है। तो आज ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि हम पूरी तरह से डिसिसिव लीडर पर ही हमारी सारी योजनाओं को निर्भर करेंगे तो उसके खतरे ज्यादा है, पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हम जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ही हमारा निर्णय सब प्लस माइनस को डिस्कस करने के बाद ओवरऑल ठीक ढंग से नीति बनने का काम हो सकेगा। एक तो ये आवश्यक है। दूसरा, 70 साल बाद हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब आईटी के माध्यम से हर सिटीजन को हम एम्पावर कर रहे हैं, वो सिटीजन अपने राइट्स के प्रति जागरूक हो, अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक हो और जो सरकार की नीतियां बना रही है उन नीतियों में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं समझता हूं कि इस अवधारणा को भी आगे वाले समय में हमें कहीं कहीं स्थान देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये तो सारे विषय ऐसे थे जो मुझे कई बार लगता है कि बड़े लोगों में भद्र लोक में ये चीजें डिस्कस होती है, फिर कुछ लोग जो कर्मचंद होते हैं वो इस पर कर्म करते हैं, पर मुझे आपके व्यक्तित्व के 2-3 और पहलू हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा रुचि है। एक विषय तो जग जाहिर है कि आप उस विषय के तो आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन दूसरा विषय है कि आपके जीवन के अनछुए पहलू, नाथद्वारा की गलियों से आप निकले। अभी मैं पहले प्रोग्राम से पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, उसमें 3 P थे और अभी कार्यक्रम सोचते सोचते उसमें एक 4th P भी शामिल हो गया कि जो आपने लाइफ में उदयपुर में जो आपने फिजिक्स में देखा, साइकोलॉजी में देखा, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर पॉलिटिक्स की, तो ये जो 4 P उदयपुर में आपने देखा, तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो आपके स्टूडेंट लाइफ की या उदयपुर के उस दौर की रही जो MB हॉस्टल की और साइंस कॉलेज की या ह्यूमैनिटी कॉलेज की, तो आप हम सबसे शेयर करवाए। मेरा एक अनुभव, मैं नाथद्वारा से स्कूलिंग करके कॉलेज में पढ़ने के लिए आया। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए आया तो फर्स्ट ईयर में 100 नंबर के तो थ्योरी पेपर होते थे और 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका पढ़े। तो मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं गांव से जिस बैकग्राउंड से आया तो मैंने देखा कि जो शहर का बच्चा है या जो वेल कनेक्टेड फैमिली से बच्चा है उसके प्रैक्टिकल में नंबर आ रहे हैं 50 में से 40-45 और उसके थ्योरी में 100 में से नंबर आ रहे हैं 50 और ओवरऑल 50+40 90 नंबर हो जाते हैं तो 150 में से 60% मार्क्स बन जाए। तो मैंने बहुत नजदीक से इस बात को देखा कि एक बच्चा जो गांव का बैकग्राउंड का आ रहा है जो अपने विषय में मेहनत करके पढ़ रहा है वो यदि थ्योरी में मेहनत करके 70 नंबर ला रहा है और प्रैक्टिकल में उसको 30 नंबर ही मिल रहे हैं या प्रैक्टिकल में 50 में से उसको 20 नंबर ही मिल रहे हैं तो उसके साथ जो न्याय है वो नहीं हो रहा। इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा और इसके कारण जब BSc के बाद आप MSc में एडमिशन लेने जाते तो MSc में एडमिशन मेरिट से होते थे। मैं जब MSc में एडमिशन लेने के लिए गया तब सीटें थी 10 फिजिक्स में केमिस्ट्री में और उसमें, तब मैंने पहली बार इस बात को महसूस किया कि सीटें बढ़नी चाहिए। तब हमने छात्र आंदोलन के रूप में भाग लिया और कॉलेज में सीटें बढ़ाने का काम करने की कोशिश की जिससे और बच्चों को और MSc और PG करने का मौका मिल सके। एक तो मेरा अनुभव ये रहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी ये जो एक डिफरेंस है वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और उसका दूसरा रूप हो गया। आज जो हैव्स है, अच्छे घर परिवार के जो बच्चे हैं वो कोचिंग करने जा रहे हैं, वो कोचिंग में उनके माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं और एक गरीब घर का बच्चा लड़का है उसके माँ बाप कोचिंग का पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एजुकेशन होने के बाद भी उनमें सामाजिक विषमता तो बनी रहेगी। तो ये बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में कि शिक्षा के क्षेत्र में हम
कैसे विषमता को कम करें। अब आईटी के माध्यम से आज हम एजुकेशन देना चाहते हैं, अब गांव के गरीब आदमी के पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है तो आईटी के माध्यम से एजुकेशन देना चाहते हैं, अर्बन का बच्चा तो उस एजुकेशन को ले लेगा, और गांव का गरीब आदमी का बच्चा है उसके माँ बाप मजदूरी करते हैं, उस मजदूरी के बाद वो आईटी से मोबाइल में क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, या माँ बाप उसको गाइड कर सकते हैं या बच्चा कोई समझ सकता है, तो आने वाले समय में ये विषमता और ज्यादा बढ़ेगी। इन चीजों को मैंने स्कूल लाइफ में भी देखा, कॉलेज लाइफ में भी देखा, और आज पराजनीति में भी भाग लेने के बाद मैं देखता हूं कि आज हम बड़े बड़े प्रभावित हैं। आईटी एजुकेशन को जगह मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, पर आईटी के एजुकेशन गांव का गरीब आदमी है, आज हजारों मजदूर आदमी आप सड़क पे आपने निकलते हुए देखे होंगे, उस मजदूर के लड़के को आप कल्पना कर सकते हैं कि वो मजदूर का लड़का मोबाइल पर लेकर आईटी के माध्यम से एजुकेशन को ले सके, तो ये बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा हो गया कि आईटी के माध्यम से हम इस विषमता को तो कम करें, लेकिन इस विषमता को कम करने के लिए उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो नहीं सुधारेंगे हम, उनके पास वो टूल उपलब्ध नहीं होंगे जिस टूल के माध्यम से हम प्रभावशाली ढंग से आईटी की एजुकेशन दे सकते हैं। इससे चैलेंजेस अनुभवों के साथ बढ़ते हैं और वो अनुभव बताते हैं इस बात के लिए कि इन अनुभवों के आधार पर हम यदि समाज को जागरूक नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। ये मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि जो अवसरों की जो समानता नहीं है वो भारत में एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनने वाला है। जो अभी हम मैग्ना कार्टा की संधि की बात कर रहे थे, इस लोकतंत्र का परिणाम है कि जिस देश में हम रह रहे हैं वहां शिक्षा के क्षेत्र में समानता है, वहां अवसरों की भी समानता है, वहां मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र के मामले में भी समानता है, और ये इस लोकतंत्र की क्या कह सकते हैं कि एक सच्चा फ्रूट है जिसको हम आज सब एंजॉय कर रहे हैं। इसी मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग ये सुनना चाहते हैं कि जब आप छात्र जीवन में थे, जैसे मैं भी उसी साइंस कॉलेज से पढ़ा हूँ, एक बड़ी पीढ़ियों का फासला रहा, लेकिन क्या उस समय भी भट्टा नाम की जगह थी जो एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था, वहां पर भी कई रोचक घटनाएं घटती थी जो हम सबके जीवन को बड़ा बदलाव लाती थी। तो कुछ ऐसी चीजें होती है हर आदमी के छात्र जीवन में जो एक जीवन भर की याद बनकर रह जाती है, तो मैं सोचता हूँ एक ऐसी आप जरूर कोई बात फरमाए। आपको मालूम है कि एमबी कॉलेज में जो एक गेट तो कॉमर्स की साइड से खुलता था, और कॉमर्स के गेट से हम जब बाहर निकल के आते थे थोड़ी दूर पर संगम रेस्टोरेंट पे आप चाय की, आपको याद होगी हमारे एक मोटा सा आदमी उसका मालिक था, और गर्मी के समय में बाहर वो कुत्ते लगाते थे और गर्मी में पहले पानी छटक देते थे जिससे आप गर्मी में बाहर आके बैठ सको। उसी के पास एक सिगरेट की दुकान थी, उसके दूसरी तरफ साइड में एक धोबी की दुकान थी। आपको वो सब चीजें याद रखनी पड़ेगी कि कॉलेज में हम डिस्कस करने के बाद हॉस्टल में खाना खाने के बाद आते तो टहल करते हुए सिगरेट पीने की इच्छा होती तो संगम रेस्टोरेंट पर आकर वहां खड़े रहकर बैठते थे 2 मीटर, श्याम जी उनका नाम था, और वहां बैठकर बात भी करते थे, चर्चा भी करते थे, और जिनको सिगरेट पीने का शौक था वो सिगरेट पीने की अपनी लत को भी वहां पूरा करते थे, चाय पीने की लत को भी करते थे। लेकिन संगम रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह थी, शाम को ला कॉलेज चलता था, ला कॉलेज के विद्यार्थी भी जो शाम पढ़ते थे वो भी संगम रेस्टोरेंट पे आते थे। उसके नीचे जाते थे तो नीचे अलग जो गेट है उस गेट के पास अलग दुकान थी, पान की दुकान थी वहां पर, और उसके आगे जाकर जो हमारे सरदार कॉलोनी थी उस सरदार कॉलोनी गुरुद्वारा आ जाता था। तो कुल मिलाकर वो एक एक्टिविटीज का जो जगह थी कॉलेज के बाहर सड़क के इस जो भी हम चर्चा करते थे उनके स्थान वो होटल थी या वो जगह थी जहाँ पान मिलता था, वह जगह थी जहाँ सिगरेट मिलती थी। तो वो जिंदगी में जब हम कॉलेज प्रारंभ करते हैं तो वो बहुत सी घटनाएं याद होती है जहाँ वहां खड़े होकर हम अपने एक दूसरे की छात्र राजनीति की चर्चा करते थे, हम अपने अपने जो एग्जामिनेशन में जो हमारे है उसकी चर्चा करते थे, हॉस्टल में एक दूसरे के साथ अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते थे वो चर्चा करते थे। तो अनुभवों को सजा